हे गाइस, कैसे हैं आप सब। ड्यू टू कोरोना वायरस मुझे पता है कि कोई भी पढ़ नहीं पाया है, तो जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है उसके लिए मैं एक सीरीज ला रही हूँ, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक मार्क कराऊंगी और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। सो आज हम अपना सेकेंड चैप्टर दिनचर्या अध्याय लेकर आए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है दिनचर्या। दिनचर्या का क्वेश्चंस ज़्यादातर आता ही है और हमें ये लर्न करना है। दिनचर्या जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर उसके बाद ब्रश करना, अंजन करना, नश्य करना, गंडूस धूपबान का प्रयोग करना, फिर उसके बाद अभ्यंग करना, व्यायाम करना, शरीर का मर्दन करना, उपटन का प्रयोग करना, स्नान करना और फिर भोजन का ग्रहण करना। इससे हमारी क्या क्या होता है, जैसे हम दातुन करते हैं उससे मुख की शुद्धि होती है, अंजन से नेत्र की शुद्धि होती है, नस्य से नशा की शुद्धि होती है, और धूपमान से क्या होता है, हमारा जो मुख होता है, कंठ होता है, उसकी शुद्धि होती है, और एक्सरसाइज से हमारा जैसे बल का हमारी वृद्धि होती है, स्नान से हमारी जो त्वचा होती है उसकी शुद्धि होगी और शरीर की शुद्धि भी होती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 10 to 15 मार्क्स में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, और 5, 10 या 20 हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, दिनचर्या एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद आप अगर आप सिर्फ ये जो टेबलर फॉर्म में दिया है इसको भी लर्न करेंगे तो काफ़ी इनफ रहेगा, बट आप अगर 10 to 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें कुछ श्लोक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इसका हिंदी में वर्णन देख सकते हैं, और हिंदी में देख सकते हैं कि अंजन के भेद बताए हैं, तो चलक ने, शुशु ने, सब ने अपने अलग अलग बताए हैं। तो आपको अष्टांग हृदयम में सिर्फ और सिर्फ भागवत का रेफरेंस देखना है, भागवत का लर्न करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है व्यायाम। व्यायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको श्लोक भी लर्न करना है। अच्छा रहेगा अगर आप श्लोक के साथ लर्न करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसके बाद व्यायाम के निशोद्र, इसमें भी आपको ये श्लोक अगर लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसमें शरीर मर्दन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अति व्यायाम से हानि, कि हम अगर ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं उससे क्या क्या हानि होती है, ये भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक हो जाता है। उपटन भी हमें पढ़ना है। उसके बाद जो श्लोक इम्पोर्टेंट है वो स्नान के गुण है, कि स्नान के क्या क्या गुण होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। बट इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टू क्वेश्चंस आते हैं वो या तो व्यायाम से आता है या फिर हमारा दिनचर्या से क्वेश्चन आता है। ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि दिनचर्या एक्सप्लेन करें या व्यायाम से आप क्या समझते हैं। 10 विधि पाप कर्म, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 10 विधि पाप कर्म भी ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसका जो श्लोक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो हम इस श्लोक को भी लर्न कर लेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो आगे श्लोक नंबर 41, 42 और 43 एक काफ़ी बड़ा सा श्लोक है, अगर आपको लर्न हो जाए तो आप देख लेना, नहीं तो इसका सिर्फ हिंदी में पढ़ लेना। इसके बाद तो बस इसमें यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने 3 मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, एक तो दिनचर्या देखा, उसके बाद हमने देखा व्यायाम, और तीसरा हमने देखा 10 विधि पाप कर्म। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस के विद श्लोक लर्न कर लेना, आपका सेकंड चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपको 99% इन तीनों क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस बनके। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपका स्नान, अंजन, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में बनके आ सकते हैं। 10 विधि पाप कर्म आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और दिनचर्या आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन में आ सकते हैं। थैंक यू।